नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, 14 जनवरी 2021 गुरुवार के दिन आ रही है मकर संक्रांति। दोस्तों, ये उपाय जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, ये जबरदस्त एक पावरफुल टोटका है। तंत्र की दुनिया में इसका बहुत महत्व है। जो लोग इसको कर लेंगे दोस्तों, वो खुद महसूस करेंगे कि चारों तरफ से आपको सफलता मिलेगी, शत्रु आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। कभी कभी हमारे घर की जो लक्ष्मी होती है, उस पर टोने टोटके ऐसे करवा दिए गए होते हैं जिसकी वजह से घर में दलिद्रता आने लग जाती है। कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि ग्रह दोष हमें परेशान करने लग जाते हैं। कभी पितरों को जो हम उनके उन्हें जो पूजा चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, तो वे भी हमें परेशान करते हैं, जिसकी वजह से घर के अंदर कलह रहता है और घर का प्रोग्रेस नहीं होता है। रोग बीमारी इत्यादि घर के अंदर आने लग जाते हैं। तो दोस्तों, मकर संक्रांति वाले दिन ये छोटा सा टोटका आपको करना है और इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि आपको चारों तरफ से सफलता मिलने लग जाएगी, मान सम्मान मिलेगा, हर काम में आप सफल होने लग जाएंगे, घर के अंदर भी कलह नहीं रहेगा, शत्रु आपके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। आपको दोस्तों मकर संक्रांति वाले दिन सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त तक, मतलब सूर्यास्त में ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल एंड में आप करें, समझिए 3:30-4 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को कर लें। आप दोस्तों थोड़े से तिल, काले और सफ़ेद, थोड़े से आपको तिल अपनी मुट्ठी में ले लेने हैं। आप जब सूर्य पूजा करते हैं तो सूर्य की पूजा में आप जो जल लेते हैं उसके अंदर हल्दी अवश्य ही डालें, तिल डालें, गुड़ डालें, गुड़हल का फूल आप उन्हें पानी में डाल करके और सूर्यदेव को चढ़ाएं। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है तीनों में से आप उस मंत्र को बोलें। तीनों मंत्र बोल सकते हैं तो तीनों मंत्र बोलते हुए आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। 5 बाती का दिया लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको थोड़े से तिल, काले और सफ़ेद दोनों ही तिल आपको इकट्ठा करके अपनी मुट्ठी में टाइट बंद करना है और सूर्य देव के सामने आपको खड़े हो जाना है। क्या करना है? सूर्य देव के सामने आपको ये तिल लेकर के खड़े हो जाना है और दोस्तों आपको मंत्र बोलना है 21 बार। क्या मंत्र बोलना है? ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय ह्रीम स्वाहा। ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय ह्रीम स्वाहा। बहुत ध्यान से इस मंत्र को सुनना। उसके बाद में ये तिल आपके दोस्तों अभिमंत्रित हो जाते हैं। 21 बार आपको इस मंत्र को बोलना है। इसके बाद इन तिलों को दोस्तों आपको अपने घर में उत्तर दिशा में, यदि आप जमीन में रहते हैं तो घर में जहाँ कच्ची जमीन हो उत्तर दिशा में, वहाँ आप इन तिलों को डाल दें। यदि आप फ्लैट में हैं तो कोई गमला रखें, उस गमले में आप इन तिलों को डाल दें और थोड़ा सा उसके ऊपर पानी छिड़क दें, वही पानी जो आपने सूर्य देव को अर्पित किया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उस जगह पर आप गंदा पानी ना डालें और थोड़ा इंतज़ार करें, वे तिल अपने आप फूट करके आएंगे। जैसे जितने आप पॉजिटिव रह करके आपने इस क्रिया को किया है, ये तिल उंग करके आ जाएंगे। जैसे ही तिल उंग करके आते हैं आप इस पर जल चढ़ाते रहें, हमेशा सुबह के समय आप थोड़ा सा इस पर जल डालते रहें। दोस्तों जैसे जैसे हवा में ये पत्ते लहराएंगे, आपके घर के अंदर हवा आएगी, शत्रुओं का यूं भी नाश होगा और लक्ष्मी आपके घर में आना शुरू हो जाएगी और आपके घर का मान सम्मान बढ़ने लग जाएगा। और दोस्तों कुछ ही समय के बाद इसमें फूल आएंगे, जो ब्लैक कलर की है उसके अंदर वाइट फूल आएंगे और जो वाइट कलर की तिल है उसके अंदर नीले रंग के फूल आते हैं। दोस्तों आप जब भी शिवालय जाएं, कच्चे दूध में इन फूलों को तोड़ करके डाल देना। आप जो चाहेंगे, आप जो मांगेंगे, वो आपकी मुराद पूरी होगी। जिस इरादे से आपने भगवान सूर्य देव की पूजा मकर संक्रांति के दिन की है, वो आपकी इच्छा शिवालय में इस पुष्प को चढ़ा दे जा करके, आपकी समझिए कुछ ही समय में वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और दोस्तों कुछ फूल आप रहने दें, उसमें तुरंत ही फली आएगी। उस फली को दोस्तों आपको सूखने देना है और जो तिल उसमें से निकलते हैं उन तिलों को आपको ले लेना है प्रसाद समझ करके और सिंदूर में
डाल करके आप अपनी तिजोरी में या पूजा स्थान में रख दें। जहाँ पर भी रखेंगे, यदि तिजोरी में रखेंगे तो भी धन की वृद्धि होगी। जहाँ आपकी शॉप है, दुकान है, वहाँ रख दें, ग्राहक आने लग जाएंगे, दुकान में जो भी टोने टोटके तंत्र मंत्र किए गए होंगे वे दूर हो जाएंगे, लक्ष्मी आने लग जाएगी। यदि आप अपने घर के दरवाजे पर उसको टांगते हैं, शत्रुओं का नाश होगा। पूजा स्थान में रखे दोस्तों, चारों तरफ से आपकी उन्नति होगी। इन तिलों को सिंदूर में मिला करके आपको रख देना है। और हर साल यदि दोस्तों आप इस क्रिया को करते हैं, आपका घर आपका परिवार दिनों दिन उन्नति की तरफ आगे बढ़ता जाएगा। ना सिर्फ धन संपत्ति आएगी, मान सम्मान ऐश्वर्य भी बढ़ने लग जाएगा। हर साल इन तिलों को आप बदल दें। जैसे दूसरे मकर संक्रांति को इन तिलों को आप या तो मिट्टी में दबा दें या फिर आप बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और दूसरे नए तिल से आप इस विधि को करना शुरू कर दें। इस चीज़ को आप अपने घर में ही शुरू, मतलब एक टेंडेंसी बना दें कि हर मकर संक्रांति को ये काम करना ही है। आप देखेंगे दोस्तों, जरा से तिल और थोड़ी सी आपकी मेहनत आपके घर को कहीं से कहीं पहुँचा देगी। चारों तरफ से आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। ये छोटे छोटे से टोटके दोस्तों आपकी जिंदगी को बना देते हैं। पूरे पॉजिटिव होकर के, विश्वास के साथ, आस्था रख करके इन क्रियाओं को करना शुरू करें और रिजल्ट देखें। करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।